गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने 9.1 में जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से कुछ सवाल तक हमने हल कर लिए थे। आज उससे आगे के सवाल हम हल करेंगे। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्नावली 9.1। चौथा प्रश्न क्या है, हमें दिया गया है कि बिंदुओं -1, 0 1, 0, 1, 1, 0, 2 -1 और 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति होती है वो हमें बता। तो सबसे पहले हम कार्तीय तल बनाएंगे, ये हो गया कार्तीय तल, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये क्या होता है, एक्स डैश। इसके बाद ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश। जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका मान होता है 0, अंकित करें तो यहां होगा 1, 2, 3 इसी प्रकार यहां 1, 2, 3 यहां लिखे तो -1, -2, यहां लिखे तो -1, -2, -3। अब जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमें बिंदु दिया गया -1, अगला बिंदु हमें दिया गया 1, 0 अगला बिंदु हमारे पास 1, 1 फिर हमें दिया गया 0, 2 और फिर हमें दिया गया -1, 1 इन सभी को हमें पहले से आलेखित करना है और आलेखित करने के बाद हमें बताना है इस कौन सी आकृति पर। देखिए सबसे पहला बिंदु हमारे पास -1, पहला मान x का, दूसरा मान तो x का मान हमारे पास क्या होगा, माइनस का एक x का मान होगा और y का मान 0 है, जो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। जब माइनस का 1, 0 हो और इस बिंदु को नाम दिया मैंने क्या, क्या नाम दिया, ए नाम दिया। इसके बाद हमारे पास 1, 0 x का मान प्लस का 1 है और y का मान हमारे पास क्या है, 0 है, ये यहां जाएगा, इसका नाम ले लेंगे b और ये है 1, 2। फिर हमारे पास मान है 1, 1 प्लस का 1 x का और प्लस का 1 y, ये हो जाएंगे, इसको नाम ले लेंगे c जो आया 1, 1। फिर हमारे पास 0, 2 x का मान 0 याद रहेगा, y का मान 2 है याद है, चलिएगा इसको नंबर दे देंगे d और ये 0, 1। इसके बाद एक बिंदु ओपन है -1, 1 x का मान माइनस का 1 y का मान प्लस का, ये इसको मान दे देंगे d और ये हमें देखा क्या -1, 1। इनको क्रम से मिलाएंगे, देखेंगे पहले ए था, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाएंगे, सी को डी से, डी को हम ए से मिलाएंगे और ए को हम एफ से मिलाएंगे। बताओ हमारे पास ये क्या बचा, क्या बना, ए बचा ये 2, 3, 4 और 5 अतः है क्या अंकित किया हमने, ए बी सी डी ई, एक क्या है 5, कितने हो जाए इसमें 5।
के हृदय कैसे बनना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हमारे पास है, चतुर्भुज बनाए उसके शीर्षों को, शीर्ष निम्नलिखित है और प्रत्येक स्थिति में हमें बने चतुर्भुज का प्रकार बनाना है, किस प्रकार का चतुर्भुज बनाए, तो इसमें से एक मैं बता देता हूं, एक आप देखिए वही इसी प्रकार का अन्य तल में हमें इसकी दर्शन है, इस प्रकार ये ए हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ और ये एक्स डैश अक्ष, इसी प्रकार यहां ये एक्स, ये वाई अक्ष और ये हुआ वाई डैश अक्ष, इनको दर्शाएंगे तो लिखेंगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, इनको दर्शाना है। तो पहले हमें लिखा है एक कोमा एक, एक बिंदु है एक कोमा एक, अगला बिंदु हमारे पास दो कोमा चार, अगला बिंदु हमारे पास आठ कोमा चार, अगला बिंदु है हमारे पास दस कोमा एक, संख्या ज्यादा है तो इनको थोड़ा नजदीक लीजिए, संख्या ज्यादा कर देंगे, संख्या एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इसी प्रकार जाने लेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इसी प्रकार इसमें लेंगे, इस प्रकार संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक्स और ये प्लस का मान भी एक और एक्स का मान भी एक और वाई का मान भी एक, एक्स का मान एक यहां वाई का है तो बिंदु आएगा यहां पे, इसके बाद एक्स का मान दो और वाई का मान चार, देखेंगे आप एक्स का मान दो वाई का मान चार यहां आएगा, फिर हमारे पास एक्स का मान आठ और वाई का मान चार, इसके बाद इसका मान x का मान 10 और y का मान 1, इनको यदि क्रम से मिलाए आकृति इस प्रकार से बनेगी, ये आकृति कौन सी है आप बताइए, कौन सा चतुर्भुज बनेगा बताओ, इस चतुर्भुज का नाम बताना है, नाम दे दीजिए ये ए ये बी ये सी और ये, देखिए यहां देखो यहां एक कोमा एक था, इसका मान क्या था दो कोमा चार, इसका मान था आठ कोमा चार, इसका मान क्या था दस कोमा, देखिए वाई का अंतर निकाले तो चार में से एक है तो कितना बचा, इसका मतलब इसके दूरी तीन और इनकी निकालेंगे तो इनकी दूरी कितनी, एक्स की निकालेंगे तो एक्स में इनकी दूरी कितनी दो और इनमें कितनी आई एक्स की नहीं, केवल हमें ये दोनों साथ से वाई वाई एक्स की दूरी क्या है, ये दोनों जब समान है तो ये निकालें क्या होगी समान होंगी, और जब किसी चक्र में सम्मुख भुजाओं का एक ही समांतर, क्या ये दोनों समांतर दिखाई देंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे, इसलिए ये
ये दोनों समांतर नहीं, इन दोनों को आगे बढ़ाते जाइए, इतना भी बढ़ा लीजिए, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, नहीं ये दोनों क्या है समान। जब किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक लिंग समांतर हो तो कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज। अतः एक कोमा एक, दो कोमा चार, आठ कोमा चार और दस कोमा एक समलंब चतुर्भुज के शीर्ष क्या है? समलंब चतुर्भुज के शीर्ष। तो हम अगला सवाल देखेंगे।
पांचवे का सेकंड आप खुद करेंगे, छठे का पहला सवाल देखेंगे। छठे का पहला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी याद कर ली। तो देखेंगे कि हमारे पास बिंदु दिया गया है छठे के पहले में माइनस के 6.7 और -1 -5 और -1 -1। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान, दोनों के बीच की दूरी याद कर ली। किसके बीच की? ए बी की दूरी का सूत्र हम बता रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखा है हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1। पहली संख्या x1 y1, दूसरे वाली मिलेगी x2। अब केवल और केवल हमें इसमें मान रखना है, तो x2 का मान देखिए कितना है, माइनस का चिन्ह किसका है, माइनस का। x1 का मान कितना है, माइनस के चिन्ह, माइनस ये हुआ प्लस 6 और इसमें। फिर आया हमारे पास y2 का मान है हमारे पास माइनस के 5 चिन्ह माइनस का, y1 का मान हमारे पास 7 का दिया जाएगा। AB बराबर 6 में से 1 है तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 और माइनस 7 माइनस के 12 और इसका स्क्वायर चलेगा। AB बराबर 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 12 का स्क्वायर हुआ 150। माइनस की संख्या थी प्लस स्क्वायर करने पर किसकी हो गई, जोड़ने पर 169 का वर्गमूल निकालने के लिए आएंगे। इसका दूसरा सवाल छठे का दूसरा सेम इसी प्रकार का है, हमें रखा है -1 - -1 और -8 - -1। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान, सूत्र हमारा हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ये भी बराबर मान रखेंगे, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई, तो एक्स टू का मान हमारे पास आर माइनस एक्स वन का मान माइनस था एक, माइनस ये हो गया प्लस एक, इसका हो गया वाई टू का मान हमारे पास माइनस ये दो प्लस सॉरी माइनस वाई वन का मान माइनस एक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक का होल स्क्वायर। ए भी बराबर यहाँ पास हो गया हमारे पास नौ, नौ का स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या बचे हमारे पास एक माइनस नौ का स्क्वायर करेंगे आगे हमारे पास इक्यासी और एक का स्क्वायर करेंगे प्लस का एक दिया आगे हमारे पास कितने बयासी, बयासी का वर्गमूल निकालेंगे, बयासी का वर्गमूल निकालो कोई वर्गमूल आएगा नहीं इसलिए आएगा अंदर यस तीसरा सवाल देखेंगे इसका छठे का तीसरे इस प्रकार दीर्घा ए टी वन का स्क्वायर फिर हमें देता है ए टू ए टी वन और हमें देता है ए टी टू का स्क्वायर और टू ए टी इसको ए मान लिया इसको मान लिया क्या हमने ए की जो भी त्रिभुज हमें याद करनी है सूत्रों का एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का ए भी बराबर ये एक्स वन है ये वाई वन ये एक्स टू है ये वाई वन थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में नहीं आएगा एक्स टू का मान हमारे पास ए टी टू का माइनस एक्स वन का मान हमारे पास ए टी वन का और इसका भी क्या आया फिर आएगा हमारे पास y2 का मान 2at2 माइनस y1 का मान क्या है 2at1 और इसका होल यहां से ध्यान से देखेंगे ये करते हैं यहां से मैं a कॉमन ले लो क्या ले लेता हूं a कॉमन लिया वो कहां जाएगा बाहर बाहर आएगा तो उसके ऊपर यहां होल स्क्वायर लगा हुआ है क्या लगा होल स्क्वायर जब इसको बाहर नहीं तो होल स्क्वायर के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा एक यहाँ क्या बचा टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का बोले समझ में आया यहाँ से क्या कॉमन आएगा दो ए कॉमन आएगा दो ए कॉमन आएगा तो ए का भी स्क्वायर होगा दो का स्क्वायर हो जाएगा चार और ए का क्या हो जाएगा एक बोले समझ में आया यहाँ हमारे पास स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर लगेगा यहाँ क्या लगेगा T2 माइनस T1
वन का ये बचा ए बी स्क्वायर ऐसे यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया मैं इसमें से कॉमन बात मिलेगी मैं थोड़ा सा और करते हैं फिर आएगा ए स्क्वायर ए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिखेंगे तो टी टू प्लस टी वन एक बार किसमें लिखेंगे टी टू माइनस इसको लिखा है और इस बार की बात नहीं की मैंने केवल इसको लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था एक बार प्लस में लिख दिया एक बार अब होल स्क्वायर है इसलिए दोनों पर अलग अलग क्या रखेगा स्क्वायर रखेगा यहाँ बचा हमारे पास चार ए स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर इसको और आगे करें हमारे पास कॉमन क्या आएगा कॉमन यहां से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस से पहले प्लस के बाद क्या समान है एक तो ए स्क्वायर समान है यहां पर भी है और यहां पर भी और क्या समान है टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है क्या देखा टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर जब ये कॉमन लिया तो यहां क्या बचा ये कॉमन आ गया ये कॉमन आ गया ये बचा क्या आएगा टी टू प्लस टी वन का ठीक प्लस यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचा चार री कॉमन आएगा ए भी ऐसे जैसे इसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे और अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो इनके ऊपर से क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट भी आ जाएगा स्क्वायर हटा तो क्या बचा ए यहां क्या बचा ए टू माइनस टी अंडर रूट कट गया और स्क्वायर भी अब बच गए हैं क्या क्या बच गया टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर प्लस चार ये हमारा आंसर
क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न आपके जो पूरा का एग्जाम लगे सप्लीमेंट्री एग्जाम उसमें आया 6 नंबर का। तो इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2-2-1, 5-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदु देखा है -2, 2 एक देखा मैं -2 ये भी -2, -2, 1 और देखा मैं 5-2 तीन बिंदु में नाम लिखे पी। हमें ये बताना है ये जो बिंदु दे रखे हैं वो किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष। समकोण त्रिभुज अब कैसे पता करेंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं की क्या याद कर लेंगे, दूरी याद कर लेंगे। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं के दूरियों का योग, दूरियों के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के दूरी के वर्ग की क्या होता है, जैसे पाइथागोरस में लग जानी चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो देखेंगे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, ठीक नाम दे देंगे ये ए, ये बी, ये -2, -2, -2, -1 और ये 5, इनके बीच की दूरी हम याद करें। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी याद करते हैं और ए बी के बीच की दूरी याद करें क्या है, देखिए ए बी दूरी का सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब हमें जो मान लिखना है वो किसमें से लिखना है, ए और बी में से। देखिए ए का मान ये है और बी का मान ये है, x1 ये y1 ये, x2 ये y2। अब जरूरी नहीं है कि x1 y1 मैंने इनको माना है और x2 y2 इनको माना, आप कैसे भी मान सकते हैं, x1 y1 इनको भी मान सकते हैं, x2 y2 ये उसे मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी बराबर x2 का मान हमारे पास -k, जिन किसका माइनस, x1 का मान -k2, माइनस ये का माइनस ये हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर फिर प्लस, y2 का मान कितना है प्लस का a माइनस, y1 का मान क्या है -k2, -k का होल प्लस और इसका स्क्वायर। हल करेंगे क्या जाएगा, 2 में से 2 गए 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 क्या नहीं होगा, क्या जाएगा a के बराबर अंडर रूट, आगे देखना चाहे लिख सकते हैं लेकिन h होने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी भुजा निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, b और c, बी सी निकालेंगे तो वही आएगा सूत्र वही आएगा। अब मान बदल जाएंगे, अब मान किस किस में रखने पड़ेंगे हमको, बी और सी में से, ये x1 y1 मान लीजिए ये, ये x2 y2 बोलेंगे, x2 का मान क्या होगा सूत्र ये रहेगा, x2 का मान 5 माइनस x1 का मान -k2 माइनस ये माइनस ये क्या हुआ प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या y2 का मान कितना है 2 -1 माइनस y1 का मान क्या है 1 इसका स्क्वायर, या हमारे पास bc बराबर कितने हो गए 7 का स्क्वायर, यह कितने मिले 1 का स्क्वायर, ये कितने आए 7 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 bc बराबर क्या है अंदर, इनको भी एक बार देख लीजिए क्या इनका मान सही आया या नहीं आया, x2 का मान कितना था -k2, x1 का मान -2, 1
बार एसी का मान निकाल लेते हैं। सूत्र देखिए, एसी बराबर सूत्र वही रहेगा, अब मान बदल जाएंगे, ये x2 y2 क्या है, ये x1 y1, बोलो x2 का मान कितना है 5, माइनस है सूत्र में, x1 का मान कितना है माइनस 2, माइनस माइनस और प्लस, फिर प्लस, y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है माइनस के 2, माइनस माइनस जब हम प्लस इस पर तो ये ac बराबर कितने बचे 7, 7 का स्क्वायर, लेकिन ये बचे 4, 4 का एसी बराबर 7 का स्क्वायर नहीं 4, 4 का स्क्वायर
स्क्वायर भाग दो है स्टूडेंट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की चर्चा करेंगे कल। थैंक्स।